तो ब्लॉग बनाते बनाते चलते हैं, और भालू मिलेगा अभी तो खाएगा और क्या करेगा। यहाँ क्या है, हमने मक्खन डाल दिया है घी के लिए, और क्या है वो। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 6:30 बजे से, और क्या है ना, सब जा चुके हैं खेत के लिए। मैंने क्या है वो चाय वगैरह पिला के उनको खेत में भेज दिया, और मैंने अब आटा गूंथ लिया है, और मैंने ना छाछ डाल दी है मक्खन निकालने के लिए। तो देखते हैं कैसे कैसे हुई है। अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप क्या है वो अभी नहीं लगी है, और थोड़ी थोड़ी क्या है वो धुंध पड़ी हुई है। तो मैंने क्या है मशीन चढ़ा दी थी छाछ निकालने के लिए, मतलब मक्खन निकालने के लिए, और अब क्या है मक्खन हो चुका है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा हुआ है मक्खन। ये देखो पीला पीला क्या है मक्खन निकल गया है। अब क्या है थोड़ी देर ब्रेक देंगे इसको, फिर इसका मक्खन जो है निकालेंगे। तब हम कुछ और काम कर लेते हैं। कड़ा क्या है हमारे पूरे सूख चुके हैं, और हमने क्या है बरामदे में रखे हैं, और थोड़े से हमने दाल भी लिए हैं, कल ही निकाले थे ये। आजकल क्या है ना मौसम साथ नहीं दे रहा, धूप क्या है वो नहीं खिल रही है, इसलिए क्या है हमने वो बनाने में ही रखे हैं। तो यहाँ क्या है जौ की जौ जो काट के रखे थे वो यही है। ये देखो पूरा कमरा भरा हुआ है जौ का इंतजार कर रहे हैं, धूप लगेगी तो इसको बाहर डालेंगे, तब हम क्या है वो गांड निकालेंगे। तो मैं ना आटा वगैरह गूंद के गाय को चराने आ गई हूँ। यह है हमारी गाय, मैंने आपसे नहीं मिलाया इसको, इसका नाम है लाडो। और हमारी बकरी थी ना पिंकी, उसको हमने मामा के घर में छोड़ दिया है, जब जैसे 2-3 महीने के लिए, फिर हम उसको लेके आएंगे। आज माँ क्या है वो लोगों ने बो दिए हैं, और हमारी क्या है वो अभी उन्होंने को है। आजकल ना वीडियो बनाने का जरा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है, कभी बारिश आ जा रही है, कभी सुबह बोने का काम हो रहा है, और दिन में क्या है वो निदाई का काम हो रहा है, तो जरा सा भी टाइम नहीं मिलता। थोड़ी थोड़ी स्लिप क्या है वो मैंने ली थी, पर एक दिन की है, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, ऐसे ऐसे है वो। मैंने सोचा मैं पूरा ही ब्लॉग बनाऊंगी जो कुछ हो जाए आज। तो शादी के बाद किस किस ने गायों को चराया है कमेंट में बताना मत भूलना। मैंने क्या है वो शादी के पहले नहीं चराए थे, मैं तो गायों से बहुत ही डरती थी, जैसे मुझे दिख के जाती थी मैं वहीं से भाग जाती थी, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, पता नहीं कैसे चराते होंगे गायों को। तो अब नहीं लगता, ऐसे सोचती थी पहले, अब तो लग गया पता कि हाँ भाई खड़े होना है वहाँ से, नहीं जाने देना, वहाँ से रोकना है ऐसे ऐसे। तो मम्मी ने ना मेरे को कुदाली दे दी है, बोला इसको छोड़ के आओ वहाँ जहाँ वो बो रहे हैं, तो उसको इसको दे के आना है वहाँ, फिर मेरे को घर में जाके क्या है वो खाना वगैरह बनाना है सबके लिए। तो क्या है ना सबने काट लिए, अब क्या है वो राजमा वगैरह बोने की बारी आ चुकी है। क्या है ना सुबह सुबह ही आ जाते हैं लोग खेत बोने के लिए, बाद में क्या है धूप लग पड़ती है तो खेत में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसलिए नहीं आते। आधे लोगों ने क्या है वो बो दी है खेत अपने, आधे के क्या है वो बोने को है अभी। तो मैं ना कुदाली देके आ गई हूँ, अब मुझे दूसरे खेत में जाना है जहाँ कल कुदाली वगैरह रखी थी, वो घर में लेके जानी है। पर मेरे को क्या है ना वो रास्ता नहीं मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। फाइनली हमें क्या है वो रास्ता मिल गया ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर जाते हैं फिर उनको ढूंढते हैं। सेब क्या है ना वो भी लगना शुरू हो चुके हैं, देखो कितने छोटे छोटे सेब क्या है वो लगे हुए हैं। देखो बड़ा खेत, ये पूरा क्या है वो बोने के लिए। अभी मैं क्या हूँ ना चप्पल वगैरह पहन के आई हूँ खेत में, तो यहाँ क्या है ना सांप और बिच्छू वगैरह का डर होता है, इसलिए मेरी मम्मी क्या है मतलब मेरी सास वो बोलती है कि जब भी खेत में जाओ जूते पहन के जाओ। पहुंच गए अपने खेत में, तो यहाँ ढूंढते हैं अब। वहाँ क्या है ना ताई क्या है वो कड़ा को इकट्ठे कर रही है। तो खेत क्या है ना वो बो दिया है हमने, और इस साइड क्या है वो भी बो दिया है। तो कुदाली का क्या है ना मुझे नाम निशान कहीं भी नहीं दिख रहा, और यहाँ तो नहीं है शायद, उस पिछले वाले खेत में रहेगी। अब देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं फिर पीछे जाते हैं, साइड तो मेरे को मिली नहीं। अब मैं वापस जा रही हूँ उसी साइड, तो शायद वहाँ मिल जाए मेरे को। रोड क्या है वो भी लग चुके हैं, पर अभी क्या है वो अंदर से कच्चे ही हैं। तो मेरे को क्या है ना कुदाली नहीं मिली है, तो अब मैं घर जाती हूँ, शायद घर में ही हो।
तो घर में खाना वगैरह बनाने का टाइम भी हो चुका है, और पता नहीं उन्होंने कहाँ रखी होगी। तो मैंने क्या है ना, लकड़ियाँ वगैरह ले ली हैं आग जलाने के लिए, और क्या है धूप भी लगना स्टार्ट हो चुकी है। अब ना आग जला के और खाना बना के ही मिलते हैं आपसे। खाना वगैरह हो चुका है रेडी, और मैं क्या हूँ मक्खन निकालने आ गई हूँ। तो जल्दी से मक्खन निकालते हैं, फिर खेत वाले आएंगे खाना खाने, उनको खाना वगैरह खिला के फ्री हो जाएंगे फिर हम। छाछ क्या है ना, वो लोगों के काम आ जाएगी। लोग क्या है वो बर्तन दे रहे हैं छाछ के लिए, और मक्खन क्या है वो मैंने निकाल दिया है। तो बाहर ना बारिश लग पड़ी थी, इसलिए हम पहले नदाई के लिए नहीं गए। अब क्या है बारिश क्या है वो थम चुकी है, और अब क्या है नदाई के लिए जाते हैं। पहले लगी थी बारिश तो हमने सोचा आज नहीं जाएंगे, तो आज फिर धूप लग पड़ी तो मैं ना आ गई हूँ आगे, तो ये आ रहे हैं पीछे से, और मैंने बोला मैं धीरे धीरे जाती हूँ तो आप आ जाओ पीछे से। इधर क्या है ना वो जंगली जंगल है, और मेरे को क्या है भालू का डर बड़ा लगता है। तो यहाँ से तो बहुत दूर है खेत, पर तो ब्लॉग बनाते बनाते चलते हैं, और भालू मिलेगा भी तो खाएगा और क्या करेगा। वैसे इतने जंगल में कहाँ है खेत, ऊपर तो बड़े खेत हैं, पर यहाँ से क्या वो जंगली जंगल है। कल भी मैं उस खेत के लिए आई थी तो वहाँ मेरे को डर लग रहा था कि भालू वगैरह। ये देखो अब धूप लग पड़ी, पहले बारिश लगी थी और अब धूप लग रही है। आज क्या है ना मेरे को यहाँ जाने के लिए डर लग रहा है, और कल क्या है वो बच्चे यहाँ खेल रहे थे छोटे छोटे। अपना अपना होता है ना डर भी सबको, तो मैं नहीं आई हूँ कभी ऐसे अकेली, तो मेरे को डर लग रहा है। बोलते हैं डर डरते हैं वो मरते हैं, शायद जरा सी भी आवाज़ हो जाए तो मैं डर जाऊँ। चलो ये आ जाएंगे पीछे से, चलते हैं। तो यहाँ क्या है ना बहुत जैसों ने अपने खेत बोए होते हैं, और मेरे को लगता है यहाँ क्या है वो नदाई करके चले गए हैं, और हमारी खेत क्या है वो ऊपर है उस साइड। और गर्मी में इस नाले में पानी होता है, पर अभी मेरे को लगता है नहीं है। जब ज़्यादा बारिश होती है ना तभी क्या है वो यहाँ पानी होता है। एक बार तो इतना पानी था, हम आए थे यहाँ यहाँ खेतों में पानी पानी था। यहाँ ना लोगों ने राजमा वगैरह बोए हैं, और मेरे को लगता है यहाँ क्या है नदाई नहीं करी है अभी। तो मैंने भी क्या है ना चप्पल नहीं पहनी, आज जूते ही पहने हैं, क्योंकि आज क्या है गीला गीला हो रहा है सब कुछ, तो मैंने सोचा जूते ही पहनते हैं, नहीं तो चप्पल में कहीं स्लिप वगैरह हो जाए तो उसका डर रहता है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में, और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी शुरू हो चुकी है, और ये क्या है सारे हमको निदाई करनी है इसकी। तो मैं कैमरा रख देती हूँ और निदाई के लिए शुरू हो जाती हूँ। तो यहाँ की खेत की क्या है वो निदाई कर दी है, वहाँ क्या है तो हम आ गए हैं दूसरे खेत में, और वो वाला खेत क्या है उसको निदाई करके आ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर। इस खेत में क्या है बूजी की फैमिली लगी थी निदाई करने।
तो शाम का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ क्या है, हमने मक्खन डाल दिया है घी के लिए, और क्या है वो घी क्या है वो मना स्टार्ट हो चुका है ना। शाम के खाने की तैयारी करने शुरू हो चुकी हूँ। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।